अस्सलाम वालेकुम क्लास थ्री, वी वर रीडिंग चैप्टर वन कंप्यूटर एट अ ग्लांस। इन दिस चैप्टर वी हैव कवर्ड डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, द थ्री प्रोसेस परफॉर्म बाय द कंप्यूटर एंड थ्री टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। नंबर वन, वी हैव लर्न अबाउट द इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइस। द थ्री पार्ट्स ऑफ प्रोसेसिंग डिवाइस, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड द मेमोरी यूनिट। Now today we are going to start from the output devices. Open your page number 8. CPU does work or calculation on the data according to the instruction. Computer का जो CPU होता है, जो actually उसका brain है, जो सारी calculation करता है, वो उस data पे calculation करता है जो हमने उसे दी होती है according to the instruction, और जो instruction हमने दी होती है उनके मुताबिक, ठीक है, यानी जो ऑर्डर दिया, इंस्ट्रक्शन दिए, उसके मुताबिक उस डेटा के ऊपर प्रोसेस करता है, कैलकुलेशन करता है। द रिज़ल्ट ऑफ द वर्क डन बाय सीपीयू इज कॉल्ड द आउटपुट। और जब प्रोसेस करके जो रिज़ल्ट निकलता है वो कहलाता है आउटपुट, हम उसे रिज़ल्ट कहेंगे या आउटपुट कहेंगे। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन और सिंपली इंफॉर्मेशन। अब रिज़ल्ट या आउटपुट कह सकते हैं, इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं या मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। द इंफॉर्मेशन और आउटपुट इज़ पास्ड ऑन टू द यूज़र थ्रू आउटपुट डिवाइसेस। अब जो कंप्यूटर ने प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन या रिज़ल्ट या आउटपुट निकाला है तो हमारे यूज़र तक कैसे आएगा, यानी हमें कैसे पता चलेगा, तो थ्रू विद द हेल्प ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस के जरिए कंप्यूटर हमें शो कर देता है। मॉनिटर एंड प्रिंटर आर द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइसेस। अब सबसे कॉमनली यूज आउटपुट डिवाइसेस कौन से, मॉनिटर और प्रिंटर। क्लास वन से आप लोग ये पढ़ रहे हैं, मॉनिटर एंड प्रिंटर आर मोस्ट कॉमनली यूज आउटपुट डिवाइसेस। अ मॉनिटर इज़ यूज टू शो द आउटपुट टू द यूज़र ऑन इट्स स्क्रीन। मॉनिटर क्या करता है, स्क्रीन पर आउटपुट शो कर देता है। देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द विजुअल डिस्प्ले यूनिट और VDU। तो हम इसको क्या कहते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं और VDU भी कह सकते हैं शॉर्ट में। अ प्रिंटर इज़ यूज टू प्रिंट द आउटपुट ऑन पेपर। अब प्रिंटर क्या करता है, आउटपुट पेपर पर प्रिंट कर देता है, ठीक है ना। ये मॉनिटर है, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहा है, और प्रिंटर क्या कर रहा है, पेपर पे प्रिंट कर रहा है, दोनों आउटपुट दे रहे हैं। सम अदर आउटपुट डिवाइसेस आर प्लॉटर एंड स्पीकर, ठीक है। प्लॉटर इज आल्सो एन आउटपुट डिवाइस, बड़े प्रिंटर की तरह होता है, इंडस्ट्रियल यूज में होता है यूज। स्पीकर इज यूज टू गिव द आउटपुट ऑफ साउंड। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। Uses of computer, computer कहाँ कहाँ use हो रहा है। Computer play a very important role in our life. They are being used in almost every field. Computer जो है अब हमारी ज़िंदगी में हर जगह ही use हो रहा है, हर field में आपको computer नज़र आएगा, important part हो गया life का। Computer are being used in school for teaching, in railways and airports for ticket reservation, in hospitals, offices, marketplaces. हर जगह यूज़ हो रहा है, आप टीचिंग के लिए स्कूल में यूज़ होता है, रेलवे एयरपोर्ट पे टिकटिंग रिजर्वेशन के लिए यूज़ होता है, हॉस्पिटल में, ऑफिसेज में, मार्केट्स में देखते हैं आप। लुक एट दिस चार्ट, कंप्यूटर्स आर सीन एवरीवेयर, ठीक है, इन बैंक्स, स्कूल, एट होम लिसनिंग म्यूजिक, रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल्स, schools, for playing game, computer at airport. End your page class. Okay. Now the other topic is characteristics of computer. ये computer की क्या खूबियाँ होती हैं, क्या characteristics हैं, ठीक है। Do you know why the computer are used in so many places? अभी क्वेश्चन है कि इतनी जगह पे कंप्यूटर यूज़ हो रहा है तो क्यों हो रहा है। This is because computer have some special characteristics. इसकी वजह है कि उसकी कुछ special characteristics हैं जिसकी वजह से वो इतना पॉपुलर हुआ और दुनिया में हर जगह पे इस्तेमाल उसका शुरू हो गया। These characteristics are as follow. Number वन, सबसे जो मेन है, स्पीड। Computer do their work very fast. They can do large amount of calculation at a very high speed. बहुत तेज़ काम करता है, result बहुत मतलब बहुत तेज़ी से निकालता है, बहुत तेज़ speed में, और calculation बहुत बड़ी बड़ी कर देता है बहुत fast speed में। Accuracy,
Computer produce accurate results and thus they are very reliable. If the data instruction entered are correct, then the output also will be correct. Computer produce accurate result के क्या मतलब है, यानी जो result देगा computer process करके वो सही होगा, आप उस पर rely कर सकते हैं, उस पर भरोसा कर सकते हैं कि आंसर सही दिया है इसने. डेटा इंस्ट्रक्शन अगर हमने सही दिए हैं तो आंसर हमेशा सही होगा, कैलकुलेट सही करेगा, आउटपुट सही होगा. अगर हमारे ही जो फॉल्ट है कि डेटा या इंस्ट्रक्शन हमने गलत कर दिया है, गलत दे दिया है, तो आउटपुट पे फ़र्क आएगा, लेकिन वो कंप्यूटर की मिस्टेक नहीं है, वो ह्यूमन एरर है. स्टोरेज कैपेसिटी, कंप्यूटर हैव वेरी लार्ज मेमोरी, दे कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इंफॉर्मेशन इन अ स्मॉल डिस्क स्पेस. इट इज़ ईजी टू रिकॉल इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन द कंप्यूटर. मेमोरी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है कंप्यूटर की, छोटी सी डिस्क स्पेस होती है, उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में डेटा इन्फॉर्मेशन स्टोर हो सकता है, और जो भी स्टोर कर रहे हैं वो दोबारा रिकॉल हो सकता है. रिकॉल का मतलब उस इन्फॉर्मेशन को हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं. इंटेलिजेंस, कंप्यूटर इज़ अ मशीन दैट नेवर गेट टायर्ड और बोर्ड. कंप्यूटर क्योंकि मशीन है तो वो कभी भी थकेगी नहीं, बोर नहीं होगी. इट कैन कंटिन्यू डूइंग द सेम वर्क फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम विदाउट डूइंग एनी मिस्टेक्स. अब वो एक ही जैसा काम मुसलसल कर सकती है, ना वो बोर होगा, ना थकेगा, और ना मिस्टेक होगी. जबकि ह्यूमन के साथ क्या प्रॉब्लम है, अगर रूटीन वर्क एक ही काम मुसलसल करते रहेंगे तो एक तो पहली बात है थक जाएंगे, जल्दी थकेंगे, और फिर बोर हो जाएंगे. लेकिन क्योंकि ये मशीन है तो इसमें ये प्रॉब्लम नहीं है. वर्सटैलिटी, कंप्यूटर कैन बी यूज टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब इन अ डिफरेंट एरियाज ऑफ वर्क. अब वर्सटैलिटी का क्या मतलब है, एक ही मशीन है कंप्यूटर, लेकिन वो डिफरेंट किस्म के काम कर सकता है, ठीक है, जो डिफरेंट एरिया में यूज़ होते हैं. दे कैन परफॉर्म अ वाइड वैरायटी ऑफ टास्क, उसके बहुत सारे काम हैं, बहुत डिफरेंट तरीके के काम कर सकता है. सो दे आर कॉल्ड वर्सटाइल मशीन, तो हम उसे वर्सटाइल मशीन भी कह सकते हैं. वर्सटाइल मशीन, मशीन तो एक है, काम कई तरह के कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर वी कैन राइट अ लेटर, ओके, प्ले म्यूजिक, वॉच मूवी, प्ले गेम्स, हैं, चैटिंग, इंफॉर्मेशन सर्चिंग. तो बहुत वर्सटैलिटी है कंप्यूटर में, इसलिए हम उसको कह रहे हैं वर्सटाइल मशीन है. बिसाइड द अबव मेंशन करेक्टरिस्टिक्स, कंप्यूटर डू हैव सम लिमिटेशन. अब ये तो करेक्टरिस्टिक्स हैं कुछ कंप्यूटर की, लेकिन कुछ लिमिटेशन भी हैं. लिमिटेशंस का मतलब है कि हर मशीन है उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ लिमिट्स भी होती हैं. लिमिट्स यानी जो चीज़ें वो नहीं कर सकता कंप्यूटर, वो उसकी लिमिट्स हैं. तो कंप्यूटर की पढ़ लेते हैं हम क्या क्या लिमिट्स हैं. नंबर वन, कंप्यूटर डू नॉट हैव देयर ओन इंटेलिजेंस, दे कैन नॉट मेक डिसीजन ऑन देयर ओन. अपनी इंटेलिजेंस तो नहीं है ना कंप्यूटर में, अपना दिमाग नहीं है, खुद सोच नहीं सकता, तो कोई वो डिसीजन खुद नहीं ले सकता. जो भी डिसीजन ले रहा होता है वो एक फॉल्स डिसीजन होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, ठीक है. तो यानी उसके डिसीजन के पीछे भी पूरी प्रोग्रामिंग हुई हुई होती है, खुद डिसीजन नहीं ले सकता बिकॉज इट इज़ अ मशीन. कंप्यूटर्स नीड क्लियर इंस्ट्रक्शन अबाउट एवरी स्टेप टू बी परफॉर्म्ड. अब कंप्यूटर मशीन है, उसको इंस्ट्रक्शन बिल्कुल क्लियर चाहिए, जो भी स्टेप उसको परफॉर्म हम करवाना चाह रहे हैं इंस्ट्रक्शन सही चाहिए. अगर हम रॉन्ग इंस्ट्रक्शन देंगे तो वो हमें बताएगा नहीं कि दिस इंस्ट्रक्शन इज़ रॉन्ग, यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं थी, या आप इंस्ट्रक्शन गलत दे रहे हैं, वो उसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है, परफॉर्म उसी पे ही कर देगा. कंप्यूटर नीड स्पेशल केयर इन डस्ट फ्री एनवायरनमेंट, क्योंकि मशीन है, सेंसिटिव मशीन है, ठीक है, तो उसको एक स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है, वरना ख़राब हो जाता है. डस्ट फ्री एनवायरनमेंट चाहिए, ठीक है, तो ये इसकी लिमिटेशन है. ये हमारा यहाँ चैप्टर क्लास ख़त्म हो गया है. आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक विच वी हैव डिस्कस. इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में करेंगे. थैंक यू.